महागठबंधन द्वारा तीनों कृषि कानून के खिलाफ पूर्णिया में मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज पूरे बिहार समेत पूर्णिया जिले में भी महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर पूर्णिया जिला के आरनसा चौक होते हुए कई मार्गों पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस मुहिम में सभी किसान संगठनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एजाज अहमद एवं किसान महासभा के अन्य लोगों ने कहा कि लगातार दो महीनों से दिल्ली में किसान का प्रदर्शन जारी है और किसानों की मांग है कि तीनों कृषि बिल को वापस किया जाए। इसको लेकर आज पूरे बिहार समेत पूर्णिया जिले में भी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 11 फरवरी को बाबा तिलका मांझी की जयंती पर पूर्णिया में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कॉमरेड कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ किसानों की भलाई के लिए है और बिहार में विपक्ष मजबूती के साथ किसान भाइयों के साथ खड़ा है। मानव श्रृंखला के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष श्री गौरी शंकर सिंह, जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता एजाज अहमद, वरीय कांग्रेस नेता दिनकर स्नेही समेत महागठबंधन के कई अन्य नेताओं ने मानव श्रृंखला में भाग लिया। कि सरकार ने किसान विरोधी तीन काला कानून लाए हैं, इस कानून से पूरे देश के अंदर मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद खेती जो है वो कारपोरेट के हवाले हो जाएगा। जिस तरह से यह कानून लाया है कि पूरे देश का जमीन खेती वह लीलाम हो जाएगा, अगर जमीन लीलाम होता है यह देश लीलाम हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसने लाया है कि जो MSP के आधार पर जो खरीद की गारंटी करनी चाहिए, यह सिस्टम जो है अभी तक बहाल नहीं हुआ। और 1955 में जो कानून बना था उस कानून को धज्जी उड़ाते हुए इन्होंने ये 2020 में ये तीनों कृषि काला कानून लाया है। इसके खिलाफ हमारा जो है आज महागठबंधन के तरफ से, हम वामपंथी अखिल भारतीय किसान महासभा के तरफ से मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज 2020 जो बिजली बिल लाया है, इतना यह बिजली बिल खतरनाक है कि आज महंगाई के मार से आम आवाम, गरीब मजदूर किसान जो है उसकी माली हालत हो चुका है। लेकिन ये सरकार आज बिजली बिल ला करके जो है महंगाई में आग में झोंकना चाहती है, इसके खिलाफ हमारा आज यह मानव श्रृंखला है। देखिए, पिछले दो महीने से लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस हो, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, किसानों के नाम का एक डेथ वारंट जारी कर दिया है केंद्र सरकार ने। और ये किसान चाहते हैं, देश भर के किसान चाहते हैं कि तीनों काला कानून वापस हो। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, इसी कड़ी में बिहार के किसानों ने भी अपने दर्द का इजहार करने के लिए आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। और आप देख रहे हैं इस कड़ी में कि पूर्णिया की धरती पर भी पूरे एक मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जगह जगह पे लोग खड़े हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों काला कानून जल्द से जल्द वापस हो। मैं एक बात और बताऊं, आप पूर्णिया की धरती पे खड़े हैं, इसी पूर्णिया की धरती पर 11 फरवरी को बाबा तिलका मांझी की जयंती के अवसर पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉमरेड कन्हैया कुमार भी शिरकत करेंगे। और केंद्र सरकार जो ये हठधर्मी पर लड़ी हुई है कि तीनों काला कानून वापस नहीं हो, उस तीनों काला कानून को वापस कराने के लिए पूर्णिया के किसान भी एक कला भवन में जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा।